आपकी शॉप में पहुंचने का यानी दुकान का नाम क्या है? नारायणी मार्बल। नारायणी मार्बल। तो हावड़ा से आपके दुकान पहुंचने के लिए अगर आप हावड़ा स्टेशन उतरते हैं वहाँ से आपको गणेश टाकी जाने पड़ेगी। अच्छा, कोई बस पकड़ के आप आ जाइए गणेश टाकी। वॉकिंग डिस्टेंस करीब करीब 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, जो लोग इंक्वायरी मोबाइल पे करना चाहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? बताइए। 9903808435। अच्छा, ये मतलब अभी लोगों को पता नहीं है कि किन किन पत्थरों से मूर्ति बनता है, ये सिर्फ जानते हैं कि मार्बल होना चाहिए। मार्बल बहुत तरह का है। हाँ, ये बताइए। देखिए, मकराना से मार्बल आती है, झीरी पत्थर आती है, अंबाजी से आती है, और भैसराना मार्बल होती है, कसौटी पत्थर होती है, फिचिंग पत्थर होता है, बहुत तरह का पत्थर है। ये आम लोग तो जानते नहीं, आम लोग एक संगमरमर की मूर्ति देखते हैं। संगमरमर जो सादा जयपुर की पत्थर जो होती है वो सबसे ज्यादा चलती है। जी जी। वैसे अच्छा, और मतलब वो एकदम सफेद कौन सा पत्थर होता है? सफेद, फिर आपको वियतनाम पत्थर लेनी पड़ेगी, वो एकदम सफेद होती है। एकदम सफेद। और क्या पत्थर में कुछ ताकतों का भी महसूस होता है, मतलब कि जैसे कि ज्यादा दिन चले, ऐसा भी कुछ होता है? सादा पत्थर तो सब चलते हैं, पत्थर में कोई ऐसी बात नहीं है। पत्थर तो जिससे बनेगी मूर्ति वो मजबूत पत्थर में ही बनती है। अच्छा अच्छा। तो आम लोगों को अभी जयपुर की ही पत्थर का मूर्ति नसीब होती है? जयपुर का मकराना पत्थर, झीरी पत्थर सब आती है उसमें बनती है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं यहाँ? पत्थर आती है, मूर्ति तो बन के चली आती है आपका राजस्थान से, वहाँ से यहाँ आके रंग भी होती है, पॉलिश होती है, फिनिशिंग होता है, बहुत काम होता है। ये आप लोग करते हैं तो उचित रेट पर आपके यहाँ उपलब्ध हो जाता है? हमारे होलसेल रेट में आप लोग उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद, फिर हम आपसे मिलेंगे। ये कौन सा पत्थर का बना है? ये जयपुर का पत्थर का, ये जयपुर का पत्थर। और ये ज्यादा चमकदार, व्हाइट चमकदार, ये वियतनाम पत्थर, ये वियतनाम पत्थर का है। आपकी शॉप में पहुंचने का यानी दुकान का नाम क्या है? नारायणी मार्बल। नारायणी मार्बल। तो हावड़ा से आपके दुकान पहुंचने के लिए अगर आप हावड़ा स्टेशन उतरते हैं वहां से आपको गणेश टाकी जानी पड़ेगी। अच्छा, कोई बस पकड़ के आप आ जाइए गणेश टाकी। वॉकिंग डिस्टेंस करीब करीब 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, जो लोग इंक्वायरी मोबाइल पे करना चाहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? बताइए। 9903808435। अच्छा, ये मतलब अभी लोगों को पता नहीं है कि किन किन पत्थरों से मूर्ति बनता है, ये सिर्फ जानते हैं कि मार्बल होना चाहिए। मार्बल बहुत तरह का है। हाँ, ये बताइए। देखिए, मकराना से मार्बल आती है, झीरी पत्थर आती है, अंबाजी से आती है, और भैसराना मार्बल होती है, कसौटी पत्थर होती है, फिचिंग पत्थर होता है, बहुत तरह का पत्थर है। ये आम लोग तो जानते नहीं, आम लोग एक संगमरमर की मूर्ति देखते हैं। संगमरमर जो सादा जयपुर की पत्थर जो होती है वो सबसे ज्यादा चलती है। जी जी। वैसे अच्छा, और मतलब वो एकदम सफेद कौन सा पत्थर होता है? सफेद, फिर आपको वियतनाम पत्थर लेनी पड़ेगी, वो एकदम सफेद होती है। एकदम सफेद। और क्या पत्थर में कुछ ताकतों का भी महसूस होता है, मतलब कि जैसे कि ज्यादा दिन चले, ऐसा भी कुछ होता है? सादा पत्थर तो सब चलते हैं, पत्थर में कोई ऐसी बात नहीं है। पत्थर तो जिससे बनेगी मूर्ति वो मजबूत पत्थर में ही बनती है। अच्छा अच्छा। तो आम लोगों को अभी जयपुर की ही पत्थर का मूर्ति नसीब होती है? जयपुर का मकराना पत्थर, झीरी पत्थर सब आती है उसमें बनती है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं यहाँ? पत्थर आती है, मूर्ति तो बन के चली आती है आपका राजस्थान से, वहाँ से यहाँ आके रंग भी होती है, पॉलिश होती है, फिनिशिंग होता है, बहुत काम होता है। ये आप लोग करते हैं तो उचित रेट पर आपके यहाँ उपलब्ध हो जाता है? हमारे होलसेल रेट में आप लोग उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद, फिर हम आपसे मिलेंगे।